हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लेब इंटरेस्ट यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कमेंट से। नाम यहाँ पे देखिए हाइड किया गया है, कमेंट में लिखा गया है किसिंग टिप्स एंड किसिंग एग्जांपल पर कोई न्यू वीडियो अपलोड करिए, काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चार एडवांस टिप्स के बारे में। तो ये फोर टिप्स एडवांस लेवल की टिप्स होंगी, यानी कि जब आप अगली बार अपने पार्टनर को किस करो या किस करने जाओ तो ये चार टिप्स अप्लाई ज़रूर करना, आपको रिस्पांस बहुत ही बेहतर मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपको किसिंग से रिलेटेड एडवांस लेवल की चीज़ें बताई जाएँ, सिखाई जाएँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें। अब बात करते हैं टिप नंबर वन की। तो टिप नंबर वन जो है वो ये है स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट। ठीक है, ये मेथड किसिंग में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अकॉर्डिंग साइकोलॉजी आपको बहुत बेहतर रिस्पांस मिलता है। हम स्टार्ट करते हैं इसको एग्जांपल से। देखिए, आपने हॉलीवुड की किसिंग सीन्स को देखा है, अगर नहीं देखा है, देखा तो होगा आपने, लेकिन अगर नोटिस नहीं किया है तो अगली बार नोटिस कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉलीवुड को मैं साइड में रखता हूँ, लेकिन मैं हॉलीवुड आपको पता है कि उसमें वो किसिंग में एक तरीके से मास्टर्ड होते हैं। तो हॉलीवुड को आधार बना के ये मेथड निकला है स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमको करना ये है कि स्टार्ट तो करना है। हॉलीवुड की फिल्मों में आपने देखा होगा कि किस करना, हम स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद ब्रेक कर देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको मैं और व्यवहारिक भाषा में समझाता हूँ आपको करना क्या है। आप जैसे ही किस करने के लिए अपने पार्टनर की तरफ बढ़ो, अपना फेस जैसे ही अपने पार्टनर के फेस की तरफ लेके जाओ, आप स्टॉप हो जाओ, क्योंकि आपके पार्टनर की तो आँखें बंद होंगी। हमें पता है कि किस करते समय आँखें बंद होती हैं, तो आपके पार्टनर की आँखें बंद होगी, वो ये सोच रहे होंगे या सोच रही होंगी कि अगले ही क्षण उनको किस हो जाने वाला है। लेकिन हमने क्या किया, स्टार्ट तो किया लेकिन हमने स्टॉप कर दिया, हमने मुकम्मल नहीं किया, हमने उससे पहले ही रोक दिया। जब रोक दिया तो उनकी आंखें खुल जाएंगी, तो उसके बाद एक तरीके से फिर से स्टार्ट करना है। तो कहने का सेंस क्या है, आपने समझ लिया होगा। ओके, अब बात करते हैं टिप नंबर सेकंड की। तो दूसरे नंबर पर जो टिप है वो है क्रिएट फनी मोमेंट्स। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किस करते समय फनी मोमेंट्स को क्रिएट करने में कामयाब रहते हैं तो ये बहुत मेमोरेबल होता है और आपके पार्टनर के मन में ये सिनेरियो हमेशा छाया रहता है और वो किसी के बारे में फिर नहीं सोचता है, किसी के साथ ये आड़ी टेढ़ी हरकतें नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए फनी मोमेंट्स कैसे क्रिएट किया जाए, आप लोग मुझसे पूछेंगे कि बताइए फिर क्या हम ऐसा करें। देखिए मुझे नहीं पता है आपको क्या करना है, लेकिन आपको करना है, मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपने हिसाब से कुछ फनी मोमेंट्स क्रिएट करना है। बस मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं एवरीथिंग, जिससे कि आपके और आपके पार्टनर के चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, आप दोनों को हंसी आ जाए। क्या आप कुछ किस करते समय या किस करने से पहले या उसके बाद कुछ ऐसी आड़ी टेढ़ी हरकत कर सकते हैं जिससे हंसी आ जाए? तो ये मेमोरेबल मोमेंट जो होगा ये हमेशा याद रहता है, इसको आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टिप नंबर थर्ड की। तो तीसरे नंबर पर जो है वो है डिफरेंट पोस्चर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस करते समय पोस्चर को बदलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अकॉर्डिंग साइकोलॉजी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप जो है अभी तक किस किए हैं एक तरीके से खड़े होकर, ठीक है, तो नेक्स्ट बारी ट्राई करें कि आप किस करें बैठकर, ठीक है, तो इस तरीके से आप पोस्चर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक लेफ्ट साइड में थे तो राइट साइड में हो जाइए। मैं क्या कहना चाहता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो पोस्चर चेंज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक तरीके से तरोताजगी का एहसास कराता है, सारी चीज़ों को नयापन एक तरीके से महसूस होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लास्ट, तो फोर्थ नंबर पर जो है, सच में वो बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है ना कि वो सब पे भारी पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फोर्थ नंबर पर जो है वो है किसिंग कॉम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ पे देखो, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो किस करने से पहले या किस करने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्स में आए? अब यहाँ पे देखिए, हम किस करते समय नॉर्मली इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है अगर आप ऐसा करते हो, जो भी इंसान ऐसा करता है ना, फिर तो उससे बेहतर उसके पार्टनर की नज़रों में कोई हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखो क्या है, मैं आपको एग्जांपल्स कुछ देता हूँ। जैसे कि क्या आप ऐसा कह सकते हो कि देखो ऐसा है ना, आप अपने पार्टनर से ऐसा बोलो कि देखो ऐसा है कि आप करीब से बहुत खूबसूरत दिखते हो, सच में आप करीब से ना बहुत खूबसूरत दिखते हो। तो जैसे ही ये बात बोलोगे आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा, उसको बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होगा और वो बहुत बेटर फील करेगा। ठीक है, और आप उनकी नज़रों में आप समझ सकते हो कहाँ से कहाँ चले जाओगे। आप क्या ऐसा बोल सकते हो कि आपको ना किस करना सच में बहुत अच्छी तरह से आता है,
ये कहाँ से आपने सीखा है, इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट आप दे सकते हो कि आप किस बहुत अच्छा करते हो या करती हो, तो इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट अगर आप देते हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर बनेगा और रिस्पॉन्स आपको बहुत बेहतर मिलेगा और नेक्स्ट बारी ये सिनेरियो फिर से क्रिएट हो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि अगली बार भी आप किस आसानी से कर पाओ, आपका पार्टनर कन्विंस हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट देना बहुत बहुत मैंडेटरी है, इसको आप ज़रूर करिए। तो ये जो 4 टिप्स हैं काफ़ी एडवांस टिप्स हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करेगा और शेयर उन्हीं के साथ करेगा जो 18+ हों, ठीक है, समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो 18+ हैं मेच्योर हैं उनके साथ ही ये शेयर करें, नाबालिगों के साथ शेयर ना करें। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही पावरफुल वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह हो उसको लिखना कतई मत भूलना ताकि अपकमिंग वीडियो में आपका कमेंट पिक किया जा सके। अगर आपने अभी तक लेवेंटर सिटी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसको क्लिक करके फॉलो करिए। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो फोन पे, तो कॉल मी फोर एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए leventercity@cm4, वहाँ पे leventercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।